हेलो दोस्तों, सीपाई में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ अमाइन। ठीक है, अमाइन की रिएक्शनों को स्टार्ट करते हैं आज, है ना। तो सुने, अमाइन की रिएक्शनों को शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें बता दूं कि ये रिएक्शन जो है आपके बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना, और इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को एक बार, अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, लाइक तो करना ही है। देखिए, अगर आपको अमाइन की रिएक्शन करनी है, मतलब अमाइन की रिएक्शन बनानी है, तो एक बार में ही सारी की सारी रिएक्शन कैसे बनानी है उसको बताते हैं। ठीक है, ये आप सबसे पहले एक बना दीजिए एनिलीन। ठीक है, एनिलीन ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे NH2, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए इसकी रिएक्शन आप करवाने जाते हैं, है ना। अगर आपकी आप इसकी रिएक्शन करवाने जाते हैं अगर आपकी रिएक्शन इससे होती है यहाँ पे H2SO4 के साथ, है ना, H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है उसको ध्यान दें। ऐसे में ना आपका क्या हो जाएगा, ये जो एनिलीन बना लेना है आपको, है ना, एनिलीन बनाना है, और पैरा पोजीशन पे, सुनो, ये तो NH2 हो गया, और आपको पैरा पोजीशन पे क्या लगा देना है, SO3H लगा देना है। क्या लगाना है बताओ, SO3H लगा देना है बस। और यहाँ पे ना आपकी हीट भी दी होगी, जो ये H2SO4 है, ये है आपका कंसनट्रेटेड है। क्या है, कंसनट्रेटेड है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा है, इसका नाम हो जाएगा सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए, अगर इसकी रिएक्शन ना Br के साथ करवाई जाती है, किसके साथ बताओ, Br3 Br2 के साथ करवाई जाती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ 3 Br2 की, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, H2 के प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो आपको क्या करना है, ऑर्थो और पैरा जितने भी पोजीशन है वहाँ पे Br लगा देने हैं। ठीक है, ये ब्रोमिनेशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे तो आपको NH2 रहने देना है, यहाँ पे लगा देनी है आपको Br, यहाँ पे भी लगा देनी है आपको Br, और यहाँ पे भी क्या लगा देनी है बताओ, Br लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद अगर इसी एनिलीन की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ बताओ, NaNO2, है ना, NaNO2 प्लस HCl हो जाएगा, है ना, और टेम्परेचर दिया होगा कोई ना कोई टेम्परेचर, यानी कि इसको मैं अगर डेल्टा कर देता हूँ तो इसमें ना डायजोनियम सॉल्ट बनता है। तो डायजोनियम सॉल्ट को कैसे लिखेंगे, देखो ये आपके पास ऐसे रहेगा, बेंजीन रहेगा, है ना, यहाँ पे आपका रख जाएगा N2 पॉजिटिव, और Cl क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव। अगला, मान लीजिए आपने रिएक्शन करवा दी इसकी K2, है ना, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, है ना, ऐसे केस में ये क्या बनाता है उसको ध्यान दें। ऐसे केस में ये बना देता है आपका पैरा बेंजो क्विनोन, है ना। तो पैरा बेंजो क्विनोन जो होता है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर बनता है, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, उसके बाद अलग से एक बार और बना लेते हैं हम लोग, इतना इतना इसमें हो गया। अगला बना लेते हैं, एक फिर से एनिलीन बना लेते हैं, है ना, एनिलीन, अगर NH2 यहाँ पे लगा हुआ है तो इसकी रिएक्शन अगर क्या किसके साथ करवाई जाती है, मान लो आपका क्लोरोफॉर्म, है ना, CHCl3 प्लस किसके साथ, KOH के साथ, KOH, और मीडियम कौन सा लेंगे बताओ, एल्कोहलिक मीडियम लेंगे। ठीक है ना, ये जो KOH होगा ये एल्कोहलिक मीडियम में होगा, तो ऐसे में बन जाता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, NC यहाँ पे लग जाएगा आपका, NC। ठीक है, फिर देखो अगर आपको नाइट्रेशन करवाना है इसका, क्या करवाना है बताओ,
नाइट्रेशन करवाना है, तो नाइट्रेशन करवाने के लिए आपके पास जो जो रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसको लिख देता हूँ। देखो पहला तो आपको यहाँ पे लग जाएगा एक कोई एनहाइड्राइड ले लेंगे आप, है ना, जिसे आप ले लिया CH3CO का होल ट्वाइस। देखो पहला तो आपका ये लगेगा CH3CO का होल ट्वाइस, है ना, और क्या होगा O, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या लगता है बताओ, आपके पास पायरिडीन होता है इसमें, पायरिडीन। और तीसरा इसमें यूज होता है जो ये, सॉरी दूसरा जो यूज होता है वो होता है HNO3+H2SO4, है ना। और जो आपका लास्ट होता है इसमें यूज वो होता है आपका थर्ड नंबर पे आपका H+ और H2O, ठीक है। इससे आपको करना कुछ नहीं, देखो डरना कुछ भी नहीं है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। सीधा बेंजीन बनाया है ना, बेंजीन में NO2 तो आप NH2 तो आपका पहले से ही लगा है, और पैरा पोजिशन पे आप क्या लगा दो बताओ, NO2 लगा दो आंसर, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको ना केबल, जैसे देखो ये इससे पहले वाला एक कौन से, ये यहाँ पे आपने ट्राई मतलब ब्रोमीन 3 यूज़ कर रखे हैं, अगर आप क्या करते हो यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करते हो, कौन सी वाली चीज़, मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हो पहले में CH3COCl, है ना, और उसके बाद आप दूसरे नंबर पे यूज़ कर रहे हो बताओ Br2 का यूज़ कर रहे हो, और Br2 के साथ साथ आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो बताओ, कोई भी एसिटिक एसिड का यूज़ कर रहे हो, है ना, CH3COOH का यूज़ कर रहे हो, है ना, और यहीं पे फिर से आप H+ H2O का यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे केस में ना आपका एक प्रोडक्ट बनता है, वो होता है आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा NH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Br लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी, लगभग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी ही होती हैं, 12th में लगभग इतनी ही होंगी, लगभग क्या मैं तो कहता हूँ इतनी ही होती हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर पक्का करें, है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।